नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आए किसान प्रदर्शनी में। तो सर जी, क्या नाम है आपका? तो सर जी, कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, तो सर जी, ये क्या चीज़ है, क्या यंत्र है ये? जी, तो किस तरीके से काम करता है ये? अच्छा, तो देख सकते हैं ये बैटरी लगी हुई है। तो एक चार्जर है। अच्छा, तो कितने समय तक काम कर सकती है एक चार्जिंग में? अच्छा, यो जी क्या आटा गूंदने का है ये? आटा गूंदने के लिए। तो देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन यंत्र है। देखिए, बैटरी की अगर बात करें तो जैब्रोनिस की है, 12 वोल्टेज की बैटरी है। अच्छा, जी जूस बना लो, पपीते का, आम का, अमरूद का। हेलो, जूस बनाने के भाई हो? दूध का अमरूद भी लो। हेलो भाई, आइयो। ये आप बोले 6500 रुपये में ये मोटर है, ये पतीली है, और ये देख सकते हैं आवाज़ भी नहीं कर रही है, बहुत ही साइलेंट है। आप देख सकते हैं वो भी साथ में सोलर पैनल। इसमें तो डीसी फिर जाएगा। फोटो लगा रखा है। सोलर पैनल की एक प्लेट है, और आप देख सकते हैं इसमें एक बैटरी है तकरीबन 12 वोल्ट की, और इसमें आप जूस भी बना सकते हैं और छाया वगैरह तैयार कर सकते हैं। चलो आजा। ये 6500 रुपये में, और ये 5 में है तकरीबन, और इससे आप आटा गूंद सकते हैं। ये देख सकते हैं, और शेक बनाने का भैया। साथ ही हम आपको दिखाते हैं किसान भाइयों की यंत्र है, जिससे आप पत्ती, प्याज, आलू और कोई भी इस तरीके का सामान है वो इससे प्रयोग कर सकते हैं, और इसकी कीमत जो है तकरीबन 500 रुपये है। तो इनके बहुत ही सारे यंत्र हैं, और ये देख सकते हैं, मैं आपको यंत्र भी दिखा देता हूँ किसान भाइयों, ये आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही सारे यंत्र हैं, पलकटी वगैरह, और यहाँ पे मशीन देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, बहुत सारे यंत्र हैं। आराम से इसको ऊपर पकड़ के आराम से काटते रहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इसका क्या यूज है इसका? इसका ये जितनी भी डंठल पे मिर्च हो, तोरी हो, घिया हो, बैंगन हो, करेला हो, ये चलाओ। डेमो दिखो, हाँ दिखो। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, एक यंत्र है देखिए। अच्छा, दो आदमी काम करते हैं इसमें। किसान भाई, पंखा लगा हुआ है, ये इसका जो प्याज काटनी नीचे से साफ हो गया, प्याज काटनी एक ही तरफ, दो आदमी। अच्छा, तो देखिए इसमें नीचे की तरफ ये साफ हो गया,
ये नीचे की तरफ प्याज कट के गिर गया है। एक टाइम में काम कर सकते हैं, एक इधर से एक इधर से। और क्योंकि पांच, देखो अभी 5 मिनट में इसमें हाथ सेट हो जाएगा। 5 मिनट लगेगी हाथ सेट करने में। और क्योंकि ये वो प्याज नहीं जिसका हमें डंठल काटना है, वो प्याज तो इतनी बड़ी होगी, पक चुकी होगी, इस हमने जो बनाया है ना उसी के हिसाब से बनाया कि इसमें उसका बिल्कुल फिट आए। मोटी प्याज होती तो वो इतनी जाके नीचे, हमने उसी हिसाब से डिजाइन किया। अब ये प्याज हमें मिली नहीं भी, खुद ही नहीं, हमने सोचा काम चल खाली खुंडे थे मरकनी चौकी, खाली खुंडे थे मरकनी चौकी, मैं सच्चा मरकनी बढ़िया चला ही। मैं तो मजा भी नहीं लिया इसका, दो चार ही कट्टे फिर लूंगा। पर चलो ले लो मजा फिर चलाओ भाई। देखिए इस तरीके से यहाँ इसका एक पॉइंट है और ये बैटरी से ही चलता है किसान भाइयों। भाई देखिए प्याज नीचे से कट गया है, जो मोटी प्याज होती है वो यहाँ पर पूरी फिक्स होके जाती है। हम आपको किसान भाई दूसरा यंत्र दिखाते हैं।